नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। लव मैरिज करना एक लड़की को भारी पड़ गया। दरोगा बाप की धमकी से डरी हुई और सहमी हुई लड़की महिला आयोग के शरण में पहुंची। उत्तर प्रदेश की साक्षी मिश्रा और अजितेश की लव स्टोरी के बारे में तो सभी को पता है। वहीं अब साक्षी मिश्रा जैसा मामला बिहार से भी सामने आया है, जहाँ एक दरोगा की बेटी ने सोशल मीडिया के माध्यम से मदद मांगी है। लड़की ने अपनी पसंद से लड़के से शादी भी कर ली। वहीं अब लड़की ने अपने घर वालों से जान का खतरा बताया है। जिस तरह से साक्षी मिश्रा ने मीडिया के माध्यम से अपने परिवार वालों से अपनी जान को खतरा बताया था, ठीक उसी तरह से बिहार की लड़की प्रीति ने भी सोशल मीडिया का सहारा लिया है। प्रीति ने एक वीडियो लोगों के साथ शेयर की है। इस वीडियो में वह अपनी जान को खतरा बता रही है। प्रीति ने वीडियो में बताया कि वह जिस लड़के से प्यार करती है उससे उसने लव मैरिज कर ली है। प्रीति ने बताया कि उसके घर वाले उसकी शादी के लिए तैयार नहीं थे। पहले देखिए आप ही लड़की द्वारा वायरल किया गया वीडियो। मेरा नाम प्रीति कुमारी है, मेरे पिताजी का नाम अरुण कुमार पांडे है, जो बिहार पुलिस में दरोगा है। मैंने एक लड़के से प्रेम विवाह किया है जिसका नाम कौशलेश कुमार सिंह है। मैंने परिवार और समाज के खिलाफ जाकर के ये शादी की है, जो मेरे परिवार वाले को मंजूर नहीं है। मेरा भाई मेरी माँ और मेरे पिताजी इस शादी के खिलाफ है। मेरे पिताजी पुलिस में होने के कारण मेरे ऊपर पुलिसिया दबाव भी अपना रहे हैं और दिखा रहे हैं। उन्होंने शादी से पहले भी कहते थे कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा, उस लड़के को भी मार दूंगा, नहीं तो जेल से तुझे मैं निकलने नहीं दूंगा। उनकी ये मनसा है और वो अपनी मनसा को पूरा करना चाह भी रहे हैं। और मैं यहाँ तक कि मुझे ये भी पता चला कि मेरी माँ मेरे पति के खिलाफ जाकर के रूपसपुर थाना में किडनैपिंग और नाबालिग होने का केस दर्ज करवाया है, जबकि मेरा कोई किडनैपिंग हुई नहीं है। मैं अपनी स्वेच्छा से घर छोड़ी हूँ और मैं नाबालिग नहीं हूँ। मेरा उम्र 28 साल है और यहाँ तक कि मैंने अपनी शादी कोर्ट में मैरिज में भी की हूँ, जिसकी की मेरा मैरिज सर्टिफिकेट ये है। मैं मीडिया वालों के माध्यम से अपनी सुरक्षा, अपने ससुराल वाले की सेफ्टी और चाहती हूँ, अगर मेरे ससुराल वालों पे कोई भी अटेम्प्ट होता है, कोई भी किसी तरह का मर्डर या कुछ भी होती है, इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ मेरे मायके वाले होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे मायके वालों की तरफ से उन्होंने 2-4 लोगों से फ़ोन करवा कर मुझे हमेशा डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और हम लोग बहुत डरे हुए भी हैं कहीं हमारी हत्या ना हो जाए। इसलिए मैं मीडिया वालों के माध्यम से मैं पुलिस अधिकारी तक गुहार लगाती हूँ कि वो मुझे सुरक्षा प्रदान करें और ये सारा सर जो केस हुई है वो सारा केस फर्जी है और जो भी आरोप मेरे पति के ऊपर लगाया गया है वो भी सारा आरोप फर्जी है। मैं मीडिया वालों से गुहार लगाती हूँ कि वो मेरी हर संभव सहायता प्रदान करें। लव मैरिज करने पर एक लड़की के मायके वाले उसके दुश्मन बन गए हैं। लड़की का आरोप है कि उसके दरोगा पिता लगातार उसे धमका रहे हैं, उसे उसके पति और ससुराल वालों को टॉर्चर कर रहे हैं। उसे नाबालिग बता पटना के रसलपुर थाना में उसकी किडनैपिंग का केस दर्ज करवा चुके हैं, जबकि शादी के वक्त उसकी उम्र 25 साल थी, वो बालिग है। बावजूद इसके पुलिस की टीम वो उसके पति को खोज रही है। दरोगा पिता के ऊपर गंभीर आरोप लगाने वाली लड़की का नाम प्रीति कुमारी है। अब डरी और सहमी हुई प्रीति बिहार राज्य महिला आयोग के शरण में जा पहुंची है। सोमवार को उसने अपना पूरा मामला आयोग की अध्यक्ष दलमणि मिश्रा को बताया, साथ ही शादी का मैरिज सर्टिफिकेट, उम्र का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड सहित कई जरूरी दस्तावेज भी दिखाए। रसूलपुर की रहने वाली प्रीति ने कौशलेश कुमार सिंह के साथ इसी साल मार्च महीने में शादी की थी। तब से ही वो अपने मायके वालों के राडार पर आगाही है। उसके पिता रेल पुलिस में दरोगा है। पिता की तरफ से थाना में दर्ज कराए गए किडनैपिंग केस में उसे 164 के तहत कोर्ट में अपना बयान भी दर्ज करवाना है, लेकिन पिता और भाई की तरफ से मिल रही धमकियों की वजह से वो कोर्ट जाने से भी डर रही है। लड़की को ऑनर किलिंग का डर सता रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार राज्य महिला आयोग की तरफ से पटना की SSP को एक लेटर भी जारी किया गया है। लेटर के जरिए बगैर किसी पुलिसिया दबाव के लड़की को कोर्ट ले जाकर उसका बयान दर्ज करवाने का निर्देश दिया गया है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।